हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व ए डीके गोयल क्वेश्चन फ्रॉम न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 59। इट दिस क्वेश्चन मे बी 58 और 57 इन योर ओल्ड बुक, सो कंपेयर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, आप लोग इसको पुराने और नए बुक से आप इसको क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप लोग देख के इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। दे एडमिट डी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2018। गिव नेसेसरी गारंटीज टू एडजस्ट द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए, इसके बीच में बैलेंस शीट होना चाहिए, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में बैलेंस शीट होना चाहिए। मैंने इसको दोनों जगह रखा, मैंने इसके बाद मैंने बैलेंस शीट का ये पूरा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको ब्रॉडली थोड़ा सा ये देखने पर थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा हो जाता तो आपको समझ में नहीं आता। इसमें देखिए, चूंकि इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बताया था, तो उस एडजस्टमेंट में आपको जो है देखिए, इस ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, ये जनरल रिजर्व आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है कितना, 40,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, आपका 35,000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है आपका, ये 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास 3 रिजर्व्स है, तो आप लोग क्या करेंगे कि ऑल 3 रिजर्व्स, द टोटल ऑफ ऑल 3 रिजर्व्स मीन्स 40,000 एंड 35,000 एंड 10,000, इसको ऐड करेंगे तो 40, 30, 70, 10, 80,000 हो रहा है। तो इस 80,000 को आप क्या करेंगे, 2:2:1 के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, बट लेकिन यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का, यहां पे देखिए मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं ये मार्केट वैल्यू इसका दिया है 30,000, 32,000 एंड इसका जो करंट जो बुक वैल्यू है वो कितना है, 40,000 है। यानी कि 40,000 की का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू इस समय है 32,000, यानी कि उसका कितना, 8,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 8,000 का लॉस इससे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस जहाँ पे 10,000 है इसकी जगह आप क्या करेंगे, 8,000 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट जब करेंगे तो इसका 8,000 कर देंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको इरेज करके मैं कर दे रहा हूँ,
जनरल रिजर्व आपका 40,000 है, 35,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 40,000 का था तो 8,000 का लॉस हुआ है, तो इसमें से 8,000 रिकवर हो जाएगा तो कितना बचेगा? इसमें आप माइनस क्या करेंगे, ये 8,000 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये आपका 35 वर्कमैन कंपनसेशन, 40, 75 और 2, ये आपका 77,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये आपका रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये बैलेंस आपका जो है ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और ये क्या कहलाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक, कितने का है ये 20,000 का है लॉस, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको डेबिट कर देंगे, यही आपका एडजस्टमेंट इसमें है। तो इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में न्यू पार्टनर्स कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यह आपका इससे एडजस्टेड एंट्री, अब देखिए इसका यह है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए ये जो एंट्री है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये उसी रिजर्व में से आपका 8,000 का जो रिकवरी हुआ है वो उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व आपका 40,000 ऑलरेडी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 ऑलरेडी है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका क्या है, 2,000 ऑलरेडी है। अब देखिए 2,000 कैसे, यही 2,000 और 8,000 मिलके क्या हो जाएगा, 10,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 10,000 था, तो इसी 10,000 में से 8,000 आपका इन्वेस्टमेंट में रिकवरी हो गया, और बाकी का 2,000 आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैंने सबको ऐड किया था तो आया था आपका 77,000 आया था, 77,000। ये 77,000 को आप क्या करेंगे, 2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/5, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 15,400। ठीक है, तो 15,400 टू जा कितना हो जाएगा, 30,800 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपका 30,800, बी का भी आपका 30,800, और 15,400 किसका आ गया, सी का।
तो आप इन सारे रिजर्व को एक साथ आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आपको परेशानी हो रही है इनको तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल करके अलग अलग कर देंगे, तो इससे काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी इसको देना ही देना है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। बट जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं करेंगे, उसमें आप अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40,000 को अलग क्रेडिट करेंगे, 35,000 को अलग क्रेडिट करेंगे, 2,000 को अलग क्रेडिट करेंगे, ऐसे करके करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका ऑलरेडी कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ऑलरेडी कितना था, 20,000, 20,000 को भी आप क्या करेंगे, 2:2:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5:4:20 और 4:2:8, यानी कि ये 8,000 आ जाएगा, और 8,000 ए लेगा, 8,000 बी, और 4,000 सी, यानी कि इसको इसकी एंट्री करेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में है, ये लॉस है, लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप एंट्री करेंगे इसका, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।